हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रयागराज से मैं प्रवीण महुलियार डेली डोज के इस नए फ्रेश एपिसोड में करता हूं आप सभी का स्वागत। आगे बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। क्रिप्टो करेंसीज में क्या आपका इंटरेस्ट है? क्या आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना भरोसेमंद मानते हैं या फिर नहीं? कमेंट करके अपनी राय दीजिए। बढ़ते हैं आगे कोरोना वायरस के अपडेट्स की ओर। बीते दिन हमें 384,000 मामले देखने को मिले कोरोना वायरस के अपने हिंदुस्तान में, जो कि उसके एक दिन पहले के मुकाबले अधिक है। टोटल नंबर ऑफ केसेस को 2.06 करोड़ तक पहुंचाया गया और 3,780 लोगों ने बीते दिन अपनी जान गंवाई। स्टेट्स की बात करें तो महाराष्ट्र में 51,809 मामले आए और सेकंड नंबर पे केरला रहा है, थर्ड नंबर पे कर्नाटक और उत्तर प्रदेश, फिर इसके बाद तमिलनाडु और दिल्ली। हालात बिगड़ रहे हैं कर्नाटक में, जहां पर दिल्ली में 55% पॉजिटिविटी के रिपोर्ट आ रहे हैं। गवर्नमेंट ने एक और ऐलान किया है, जो लोग भी RT-PCR का टेस्ट करा रहे हैं और पॉजिटिव टेस्ट हो रहे हैं, वो जब रिकवर हो जाएंगे उसके बाद टेस्ट नहीं कराएंगे अपना, ये देखने के लिए कि वो रिकवर हो चुके हैं या नहीं। वो एक बार स्वस्थ हो जाएं तो घर जा सकते हैं। जो लोग इंटर स्टेट ट्रैवल कर रहे हैं उनको भी RT-PCR टेस्ट कराना ज़रूरी नहीं है। ऐसा करने से लैब्स के ऊपर भार बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है और जो अत्यंत जरूरी टेस्ट हैं पेशेंट्स के लिए, नए कोविड टेस्ट, उन पे कमी हो रही है। इसी वजह से जो गैर जरूरी टेस्ट हैं उनको नजरअंदाज किया जा रहा है फिलहाल के लिए। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान 46% कोरोना वायरस के केसेस लाने के लिए जिम्मेदार हो चुका है। उत्तर प्रदेश में आप रहते हैं तो एक नई अपडेट आप सभी के लिए। लॉकडाउन को 11 मई तक बढ़ा दिया गया है। 11 मई सुबह 7 बजे लॉकडाउन अब खुलेगा उत्तर प्रदेश की सीमाओं के अंदर। अगर आप इंटर स्टेट या स्टेट के अंदर ट्रैवल करना चाहते हैं इस दौरान, तो आप सभी को ई पास कलेक्ट करना होगा, जो कि आप rahat.up.nic.in से प्राप्त हो जाएगी। चाहे वो GST रिलेटेड हो, चाहे वो पर्सनल डिटेल्स एंटर करने के बाद पाया गया पास हो, आप सभी को वहां पर अपने डिटेल्स एंटर करने होंगे। OTP के बाद पास आप डाउनलोड कर सकेंगे, आपके नंबर पे उसका लिंक आएगा। जस्टिस अशोक भूषण के बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला सुनाया। महाराष्ट्र में कोटा रिजर्वेशन सिस्टम को खत्म करने की राह में 50% तक मराठास के लिए कोटा रिजर्वेशन सिस्टम कई सेक्टर्स में लायबल था, जिसको अनकंस्टिट्यूशनल कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। 16% से घटाकर 12% एजुकेशन में और 13% एम्प्लॉयमेंट में कर दिया गया है मराठास के लिए कोटा। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि महाराष्ट्र के अंदर मराठा लोगों के लिए इस रिजर्वेशन की कोई खास जरूरत नहीं है, फिर भी जितने रिजर्वेशन हैं अभी वो हाई कोर्ट द्वारा दिए गए थे और ये अल्टा वायर्स थे। लूनावादा गुजरात से एक खबर सुनिए। एक छोटे बच्चे को एक बीमारी हो गई जिसका नाम है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। ये एक यूनिक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि करोड़ों में से एक बच्चे को होता है और इसकी वजह से मसल्स पे नियंत्रण और सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। बच्चे के पिता राजदीप सिंह राठौड़ को बताया गया कि आपको एक इंजेक्शन चाहिए होगी और एक थेरेपी चाहिए होगी जिसका नाम है जीन थेरेपी इंजेक्शन, और दुनिया में केवल US इसको मैन्युफैक्चर करता है और इस इंजेक्शन की कॉस्ट है 16 करोड़ रुपए। अब एक आम सा परिवार 16 करोड़ रुपए कहां से लाएगा? उन्होंने क्राउड फंडिंग की सहायता ली। प्लेटफॉर्म पे उन्होंने 16 करोड़ रुपए 42 दिनों के अंदर इकट्ठा कर लिए और बच्चे को बचा लिया गया है। खुशी की बात है, सुनकर अच्छा लगता है कि इतनी बड़ी मदद किसी की जनता कर रही है। 16 करोड़ रुपए के इंजेक्शन पे 6.5 करोड़ रुपए का कस्टम ड्यूटी भी लग रहा था, जो कि सरकार ने ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे माफ किए। आज से डेली डोज के वीडियोस में आपको शेयर मार्केट के टिप्स भी मैं दूंगा। शेयर मार्केट के टिप्स दे तो मैं रहा हूं, लेकिन आप अपने से रिसर्च करके ही पैसे इन्वेस्ट कीजिएगा। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग करते हैं तो रिलायंस का शेयर आपके लिए कमाल का हो सकता है आज की डेट में, क्योंकि कीमत लगभग 1900 रुपए तक गिर गई है और उम्मीद है कि आने वाले 2-3 महीने के अंदर 2200-2300 रुपए तक इसके शेयर जा सकते हैं। मैंने खुद रिलायंस से कुछ शेयर ऐड किए अपने पोर्टफोलियोस में और उम्मीद है कि कीमतें और घट सकती हैं आने वाले 1 हफ्ते के अंदर। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी रहेगी दोस्तों एक प्लेटफॉर्म की जिसका नाम है एंजल ब्रोकिंग। वहां से आप अपनी आईडी क्रिएट भी कर सकते हैं डीमैट बिल्कुल फ्री, अगर आपने अभी तक आईडी नहीं क्रिएट की है। तो रोज आपको अपडेट देता रहूंगा कौन से शेयर अच्छे हैं, कौन से शेयर आपको परचेज करने चाहिए डेली बेसिस पर। और बड़ी कंपनी, अच्छी इस कंपनी की ही बात करूंगा, कोई छोटी मोटी कंपनी की बात नहीं करूंगा जिसकी डूबने की चांसेस रहेंगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चाइना में 29 अप्रैल की तारीख को लॉन्च हुआ एक रॉकेट जिसका नाम है Long March 5B, जो कि टाइनहेल मॉड्यूल ऑफ चाइनीज स्पेस स्टेशन को कैरी कर रहा था, जो कि फंक्शनल होगा 2023 तक। चाइना अपना स्पेस स्टेशन बना रहा है बिल्कुल नासा की तरह, लेकिन इस रॉकेट में कुछ मेल फंक्शनिंग हुई और वापस अर्थ की ओर ये गिर रहा है। लगभग 21 टन इसका वजन है और ये जब क्रैश करेगा जमीन पर तो जितना एक एरोप्लेन के क्रैश होने से नुकसान और तबाही होती है, लगभग उतनी तबाही होगी।
यूरोपियन स्पेस एजेंसी का अंदाजा है कि अर्थ को यह टकराएगा 9 मई की तारीख को, हो सकता है एक दो दिन का अंतर भी आ जाए। ज्यादातर चांसेस हैं कि ये ओशन और इनहैबिटेड प्लेस पे टकराए, लेकिन इस बात की कोई पुष्टिकरण नहीं है कि जहां लोग रह रहे हैं मेन मार्केट के बीचों बीच न टकराए। फटाफट और न्यूज आपको देता हूँ। ममता बनर्जी ने ओथ ले लिया है थर्ड टाइम चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल के लिए। ओथ लेने के जस्ट बाद इनका दो मेन कथन रहा है। पहला, कोरोना वायरस को रोकना इनकी पहली प्राथमिकता होगी, और उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर तंज कसा कि पिछले 2 महीने से स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन पावर इलेक्शन कमीशन के हाथ में थे, जिसकी वजह से पोल्स के बाद वॉयलेंस हुए और 14 लोगों की जान गई। उसके ऊपर भी इनका आकर्षण केंद्रित है। वेस्ट त्रिपुरा के डीएम शैलेश यादव ने पद छोड़ दिया है, अब वहाँ के वो डीएम नहीं हैं। उनकी एक वीडियो काफी वायरल हो रही थी इंटरनेट पर, जिसमें वो एक शादी में नाइट कर्फ्यू के चलते रोक लगा रहे थे। आपत्तिजनक बात ये थी लोगों के लिए कि रोक लगाने का तरीका नहीं सही था, जिसकी वजह से देश भर में लोगों ने इनकी निंदा की और फाइनली इन्होंने अपना पद छोड़ा। चीफ मिनिस्टर ने मनोज कुमार, जो कि स्टेट के सेक्रेटरी हैं, उनको एक कमेटी का गठन करते हुए इस मामले की जांच पर रखने की आदेश दिया है। इंडियन रेलवे ने 16 और ट्रेन बैन किए हैं। ये 16 और ट्रेन नहीं चलने वाली हैं लो ऑक्यूपेंसी के चलते, मतलब कि इनमें लोगों की कमी थी, ट्रैवलर्स की कमी थी, जिसकी वजह से इनको रद्द कर दिया गया है। 7 मई से रद्द हो जाएंगी। कौन सी ये ट्रेन हैं डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूंगा, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं। अगर आप फर्दर प्लान कर रहे हैं ट्रैवलिंग के लिए तो एक बार इसको जरूर चेक कर लीजिए। फाइनली सबसे बड़ी न्यूज पबजी की ओर से निकल के आ रही है। पबजी लवर्स ध्यान दें, एक नया अपडेट आया है, एक नया पोस्टर आया है सोशल मीडिया पे पबजी मोबाइल के द्वारा। पबजी मोबाइल इंडिया का नाम बदल के बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया रख दिया गया है। पबजी गेम अब बैटल ग्राउंड इंडिया के नाम से रिलीज होगा इंडिया में। कमिंग सून का पोस्टर इस बात का पुष्टिकरण करता है कि जल्द ही पबजी आएगा हिंदुस्तान में और आप इसका लुत्फ उठा सकेंगे। सोशल मीडिया हैंडल्स जहां पर पबजी मोबाइल इंडिया लिखा था, वो भी बदल कर बैटल ग्राउंड इंडिया लिख दिए हैं। उम्मीद है कि मई के महीने में आपको बैटल ग्राउंड इंडिया गेम देखने को मिल जाएगा और अपने फोन में आप इसका मजा ले सकेंगे। बस दोस्तों, अभी के लिए इस वीडियो में इतनी जानकारी। मुझे उम्मीद है ये वीडियो और जानकारियां आपको पसंद आई होंगी। डेली डोज से बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।